हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजी मेडिकल एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वेलाई। सो ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वेलाई हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंक्लूडेड है, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ये क्या है? एयर पैसेजेस हैं जहाँ से एयर जो है एटमोसफेयर से लंग्स में एंटर होती है। सो लंग्स के अंदर वहाँ पर गैस एक्सचेंज होता है, यानी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। सो चलिए इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले ट्रैकिया, जो कि विंड पाइप कहते हैं, जिसको ट्रैकिया एट अबाउट फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पर ये बाइफर्केट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। सो जहाँ पर ये डिवाइड होता है उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कैरिना। एंड ट्रैकिया किस में डिवाइड होता है? टू में डिवाइड होता है, टू ब्रांचेस में, जिसको बोलते हैं राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। सो यहाँ से ब्रोंकाई स्टार्ट हो जाता है कैरिना से। जो राइट प्राइमरी ब्रोंकाई है वो राइट लंग में जाता है, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई लेफ्ट लंग में जाता है। जो राइट प्राइमरी ब्रोंकाई है ये थोड़ा सा शॉर्ट होता है लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई से। जो राइट प्राइमरी ब्रोंकाई है इसका जो लेंथ है वो है 2.5 सेंटीमीटर एंड थोड़ा सा ये वाइड है, चौड़ा है। लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड राइट से थोड़ा नैरो है। अब जब ये राइट प्राइमरी ब्रोंकाई लंग में एंटर होता है, इसी तरह से लेफ्ट साइड जो लेफ्ट लंग है उसमें लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई लंग में एंटर होता है। जहां पर ये एंटर होता है लंग में उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हाइलम। सो लंग में जहां से भी जो चीज एंटर हो रही है, जैसे ब्लड वेसल्स या प्राइमरी ब्रोंकाई, उसको बोलते हैं हाइलम। उस स्ट्रक्चर को, एंटरिंग पॉइंट को बोलते हैं हाइलम। अब जब राइट प्राइमरी ब्रोंकाई राइट लंग में एंटर हुई, सो राइट लंग क्या है, थोड़ा सा बड़ा है लेफ्ट लंग से। सो राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं, इसलिए राइट प्राइमरी ब्रोंकाई 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, ताकि हर एक ब्रांच हर एक लोब में पहुंच जाए। अपर लोब में अपर ब्रांच, मिडल लोब में मिडल ब्रांच एंड लोअर लोब में लोअर ब्रांच। जब ये डिवाइड हो जाता है राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, तब इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। सो 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई में प्राइमरी ब्रोंकाई जो है डिवाइड हो जाता है। क्योंकि हर एक लोब में जा रही है इसलिए इसको लोअर ब्रोंकाई भी बोलते हैं। इसी तरह से राइट लंग में लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई 2 में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि लेफ्ट लंग में सिर्फ 2 लोब्स हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड लोअर ब्रोंकाई अपर लोब में या लोअर लोब में जाती है। अब जो लोअर ब्रोंकाई यानी सेकेंडरी ब्रोंकाई है, ये फर्दर डिवाइड होते हैं टर्शरी ब्रोंकाई में। सो ये जो ब्लैक कलर के मैंने दिखाए हुए हैं जिनमें कार्टिलेज प्रेजेंट है, ये जो मैंने दिखाए हैं, सो यहाँ तक कार्टिलेज प्रेजेंट है। एक और बात, जैसे ही हम लंग जो एयर वेज हैं वो लंग में जाते जाएंगे, उनका जो साइज है वो नैरो होता जाएगा। सो अपर जो लार्जर एयर वेज है वो वाइडर होते हैं, देन स्मॉल यानी नैरो होते जाते हैं। सो जो टर्शरी ब्रोंकाई हैं ये ब्लैक कलर के, इनको बोलते हैं सेगमेंटल ब्रोंकाई, क्योंकि हर एक लोब में फर्दर ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स होते हैं, तो इसलिए बोलते हैं इनको टर्शरी ब्रोंकाई या सेगमेंटल ब्रोंकाई। सो कई केसेस में क्या होता है कि ये जो टर्शरी ब्रोंकाई है, सेगमेंटल ब्रोंकाई, ये फर्दर, ये वाले ये जो ब्लैक कलर के हैं फर्दर, ये सब सेगमेंटल ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो सेगमेंटल ब्रोंकाई है, यहाँ पर इनका एंड हो गया, अब ये ब्रोंकियोल्स में कन्वर्ट होंगे। ये जो फर्दर स्मॉलर ब्रांचेस हैं, नैरो ब्रांचेस हैं, इनको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स, जिसमें कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं है। सो ब्रोंकियोल्स जो है, सबसे पहले टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, ये जो टर्मिनल पोर्शन है ब्रोंकियोल्स बोलते हैं इनको, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। देन इसकी भी जो फर्दर ब्रांचेज हैं, एंड ब्रांचेज हैं, इनको बोलते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, जहाँ पर एक्चुअल में गैस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन हमारे एंटर हो जाती है टिश्यूज़ में एंड कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं, वो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स में होता है एक्चुअली। देन उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स एल्वियोलर डक्ट के थ्रू देन एल्वियोलाई के साथ अटैच है। सो एल्वियोलर डक्ट के थ्रू बहुत सारी एल्वियोलाई अटैच होती हैं, 2 or more एल्वियोलाई अटैच होती हैं। बहुत सारी एल्वियोलाई को बोलते हैं, ये देख सकते हैं आप, एल्वियोलर सैक। सो एक एल्वियोलर सैक में बहुत सारी एल्वियोलाई अटैच होती हैं, जो कि एल्वियोलर डक्ट के थ्रू अटैच होती हैं। सो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल और एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलाई और एल्वियोलर सैक, ये सारे बनाते हैं, गैस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, इनको बोलते हैं रेस्पिरेटरी जोन। सो चलिए एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ट्रैकिया डिवाइड होता है कैरिना में, कैरिना पर डिवाइड होता है फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा में राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई को ब्रोंकस भी कहते हैं सिंगुलर में। जो राइट प्राइमरी ब्रोंकाई है ये जाता है राइट लंग में, देन ये डिवाइड हो जाता है सेकेंडरी ब्रोंकाई में।
सेकेंडरी या लोअर ब्रोंकाई में, जो कि 3 में डिवाइड हो जाता है राइट लंग में, क्योंकि राइट लंग के 3 लोब्स हैं। ऐसे ही लेफ्ट लंग में जो सेकेंडरी ब्रोंकाई यानी लोअर ब्रोंकाई है वो 2 में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि लेफ्ट लंग के 2 लोब्स हैं। देन ये डिवाइड होती हैं टर्शियरी ब्रोंकाई में, जिनको सेगमेंटल ब्रोंकाई भी कहते हैं। देन सेगमेंटल ब्रोंकाई, अब यहाँ पर देखिए सेगमेंटल ब्रोंकाई तक यानी टर्शियरी ब्रोंकाई तक ब्रोंकाई खत्म हो गया है, अब चलेगा हमारा ब्रोंकियोल्स जो कि और नैरो ब्रांचेस हैं ब्रोंकाई की। सो ब्रोंकाई तक क्या होता है, कार्टिलेज भी प्रेजेंट होता है, स्मूथ मसल भी प्रेजेंट होता है। कार्टिलेज क्या करता है, सपोर्ट या रिजिडिटी प्रोवाइड करता है ताकि जो एयरवेज है वो ओपन रहे, कोलैप्स ना हो। लेकिन ये एक्सपेंशन या रिलैक्सेशन या कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प नहीं करता कार्टिलेज, इसलिए जो ये टर्मिनल ब्रोंकियोल्स हैं एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स हैं यहाँ पर कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होता, ताकि ये इजिली एक्सपेंड हो सके एंड कॉन्ट्रैक्ट हो सके एज पर द एयर रिक्वायरमेंट। जैसे इनके अंदर एयर एंटर करेगी उस हिसाब से ये एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट हो सके, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट होता है स्मूथ मसल, ताकि ईजिली जो है एयर का एक्सचेंज हो सके। सो टर्मिनल ब्रोंकियोल एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, देन रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल फर्दर कनेक्टेड है एल्वियोलर डक्ट से। सो एल्वियोलर डक्ट के साथ एल्वियोलाई अटैच हैं। सो एल्वियोलाई, बहुत सारी एल्वियोलाई क्या बनाती है, एल्वियोलर सैक्स। सो अब हम देख सकते हैं कि जो ब्रोंकाई थे उनमें कार्टिलेज और स्मूथ मसल प्रेजेंट थे, ब्रोंकियोल्स में ना कार्टिलेज नहीं था, स्मूथ मसल प्रेजेंट था। लेकिन जो एल्वियोलाई है यहाँ पर ना कार्टिलेज होता है ना ही स्मूथ मसल होता है, एक रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होती है जो कि एपिथीलियम की बनी होती है, जिससे इजिली जो है गैस एक्सचेंज हो सके, इसलिए इनको मेम्ब्रेनस एल्वियोलाई भी कहते हैं। नाउ जो ट्रैकिया है वो डिवाइड हो रहा है, ट्रैकिया वाइडर है एंड जैसे जैसे ट्रैकिया स्मॉलर एयरवेज में कन्वर्ट होगा, मीन्स जो ब्रोंकाई है वो स्मॉलर एयरवेज में ब्रांच होंगे, वैसे वैसे वो नैरो होते जाएंगे, उनका जो डायमीटर है वो कम होता जाएगा, प्लस जो कार्टिलेजेस हैं वो एब्सेंट होते जाएंगे धीरे धीरे। सो ट्रैकिया डिवाइड होता है, इसमें आपको और क्लियरली दिखेगा, राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में। राइट प्राइमरी ब्रोंकाई जाता है राइट लंग में एंड लेफ्ट लेफ्ट लंग में। देन राइट प्राइमरी ब्रोंकाई जो है 3 ब्रांचेस में डिवाइड होता है, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई या फिर लोअर ब्रोंकाई। ऐसे ही जो लेफ्ट लंग है वो उसके क्योंकि 2 लोब्स है तो वो 2 में डिवाइड होता है उधर साइड। अब जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है या लोअर ब्रोंकाई वो फर्दर डिवाइड होती है सेगमेंटल ब्रोंकाई में, जो कि लोब्स में राइट लंग के जो लोब्स हैं या दोनों लंग्स के जो लोब्स हैं उनमें फर्दर ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स होते हैं, वहाँ पर पहुँचती हैं, उनको बोलते हैं सेगमेंटल ब्रोंकाई। देन ये फर्दर ब्रांच होती हैं अब ये टर्मिनल ब्रोंकाई में, ब्रोंकियोल अब यहाँ से स्टार्ट हो गई है ब्रोंकियोल। सो टर्मिनल ब्रोंकियोल में सेगमेंटल ब्रोंकाई डिवाइड हो जाती हैं, टर्मिनल ब्रोंकियोल फर्दर ब्रांच होते हैं एंड वो ब्रांच होती है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल में। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल एट लास्ट एल्वियोलाई के साथ, एल्वियोलर डक्ट्स के साथ, एल्वियोलाई के साथ अटैच होते हैं। सो कुछ टर्म्स हैं उनको क्लियर करते हैं। फर्स्ट है ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री या फिर रेस्पिरेटरी ट्री। सो ट्रैकिया और ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स ये एक ट्री की तरह ब्रांचिंग लगती है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री या फिर रेस्पिरेटरी ट्री। देन ए कंडक्टिंग जोन एंड रेस्पिरेटरी जोन। तो जो ये वाइडर एयरवेज हैं ट्रैकिया से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल तक, ये क्या है, एयर को कंडक्ट कर रहे हैं, एयर को बाहर से अंदर तक लंग्स तक ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं कंडक्टिंग जोन। सो एक तरह से एयर को लेके आते हैं, एयर को, एयर एक पैसेंजर की तरह है और ये एक वे है, रास्ता है जहाँ पर एयर जो है ट्रैवल करती है, सो इसलिए इसको बोलते हैं कंडक्टिंग जोन। देन जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल एंड एल्वियोलाई है इनको बोलते हैं रेस्पिरेटरी जोन, क्योंकि जो एक्चुअल रेस्पिरेशन है, जो गैस एक्सचेंज है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है वो यहाँ पर होता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल एंड मेनली एल्वियोलाई में। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं एकाइनस लोब्यूल और रेस्पिरेटरी यूनिट क्या है। सो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल और एल्वियोलाई मिलकर बनाते हैं रेस्पिरेटरी यूनिट, जो रेस्पिरेटरी यूनिट, क्योंकि ये जो फंक्शनल यूनिट है लंग्स के, जहाँ पर एक्चुअल रेस्पिरेशन होता है, गैस का एक्सचेंज होता है, इसलिए इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी यूनिट। सेकंड बोला था मैंने लोब्यूल,
अब जो लंग्स है वो फर्दर, लंग्स के 3 लोब्यूल्स हैं इधर साइड, राइट लंग में 3 है, लेफ्ट लंग में 2 है. सो जो लंग के जो लोब्स हैं वो फर्दर लोब्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं. सो ये जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हैं या टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल और एल्वियोलाई, ये फर्दर लोब्यूल्स में जाकर ब्रांचेस होती हैं इनकी, इसलिए इनको लोब्यूल भी कहते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल और एल्वियोलाई को. देन एकाइनस और इनको रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल और एल्वियोलाई को एकाइनस भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है वो एकाइनस एकाइनरी सेल्स जैसा है. सो इनके 3 नेम्स है, एकाइनस, लोब्यूल और रेस्पिरेटरी यूनिट, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल और एल्वियोलाई को ये 3 नेम से बुलाया जाता है. देन व्हाट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. सो जो एल्वियोलाई की जो मेम्ब्रेन है, मीन्स जो एल्वियोलाई किसमें आते हैं, लंग्स में. सो लंग्स और कैपिलरीज में जो गैस का एक्सचेंज होता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. कैपिलरीज और टिश्यूज में जो गैस का एक्सचेंज होता है उसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन. सो यहाँ पर हम लंग्स में एल्वियोलाई देख रहे हैं तो इसलिए हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं. देन हम एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर देखते हैं. एल्वियोलाई रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से ब्रांच हुई है, एल्वियोलाई की रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल देन एल्वियोलर डक्ट्स के साथ अटैच है, एल्वियोलर डक्ट्स देन एल्वियोलाई के साथ अटैच है. सो एल्वियोलाई, बहुत सारी जो एल्वियोलाई है इनको बोलते हैं एल्वियोलर सैक. अब एल्वियोलाई में क्या होता है, एल्वियोलाई में एक थिन मेम्ब्रेन होती है जो ब्लू कलर के ऊपर देख रहे हो, या थिन एंडोथेलियल एपिथेलियल मेम्ब्रेन है, स्क्वेमस एपिथेलियल मेम्ब्रेन है एल्वियोलाई की, सिंगल मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, जहां पर गैस का एक्सचेंज होता है बहुत ही थिन होती है इसलिए गैस का एक्सचेंज ईजिली हो सकता है. देन जो कैपिलरी मेम्ब्रेन है, क्योंकि एल्वियोलाई बहुत सारी कैपिलरी से सराउंड रहता है ताकि जो गैस एक्सचेंज है वो इजिली हो सके, सो कैपिलरी मेम्ब्रेन भी थिन है जिसको एंडोथेलियल मेम्ब्रेन कहते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन होती है. सो डिफ्यूजन के थ्रू जो गैस का एक्सचेंज हो सकता है. अब एल्वियोलर मेम्ब्रेन जो है उसमें सेप्टल सेल्स प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सेप्टल सेल्स क्या करते हैं, सर्फेक्टेंट एक केमिकल है वो रिलीज करते हैं जो कि एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से यानी सिकुड़ने से बचाते हैं. देन सेकेंडली जो कैपिलरीज मतलब जो एल्वियोलाई है उन्होंने एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ली, अब वो ऑक्सीजन अंदर कैपिलरीज में एंटर हो जाएगी ताकि वो टिश्यूज तक ले जाए ऑक्सीजन को, और जो कैपिलरी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन वो बाहर एल्वियोलाई में चल जाएगी ताकि वो बाहर हम एक्सहेल कर सकें. नाउ व्हाट आर द फंक्शंस, ये स्ट्रक्चर्स कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती हैं. सो फर्स्ट है कंट्रोल ऑफ एयर एंट्री. सो जो स्मूथ मसल है वो ऑल ओवर द ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री एक्सेप्ट जो एल्वियोलाई है उनको छोड़ के वहाँ पर प्रेजेंट होता है. सो स्मूथ मसल जो है वो इन स्ट्रक्चर्स का यानी एयर पैसेजेस का डायमीटर को कंट्रोल करता है, उनको नैरो या एक्सपेंड करवाता है एज पर द एयर रिक्वायरमेंट. जितनी वॉल्यूम या स्पीड होगी एयर की उसके अकॉर्डिंग जो डायमीटर है एयर पैसेजेस का वो कंट्रोल रहेगा. सेकेंड है वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग. जो म्यूकस लेयर प्रेजेंट है, वैसे क्या होता है कि जो म्यूकस लेयर है वो जो टर्मिनल या रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है वहाँ तक म्यूकस जो है डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाता है या बहुत ही कम रह जाता है. सो जो अपर एयरवेज हैं जैसे कि ब्रोंकाई वहाँ पर प्रेजेंट है, वहाँ पर वार्म एयर जो भी एंटर होती है वो वार्म हो जाती है एंड ह्यूमिडिफाइंग म्यूकस के थ्रू मॉइस्चर ऐड हो जाता है, सैचुरेटेड हो जाती है एयर, ह्यूमिडिफाई हो जाती है. देन है सपोर्ट एंड पेटेंसी. जो कार्टिलेजेस हैं वो भी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल तक डिसअपीयर हो जाते हैं लेकिन जो ब्रोंका है वहाँ पर कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं जो कि सपोर्ट और पेटेंसी यानी ओपन करके रखते हैं एयर वो एयरवेज को. देन एल्वियोलाई में जो सर्फेक्टेंट प्रेजेंट होता है वो भी एल्वियोलाई को ओपन करके रखता है, पेटेंट करके रखता है. देन रिमूवल ऑफ पार्टिकुलेट मैटर. जो भी हम डस्ट पार्टिकल या पार्टिकल्स ऐसे एंटर कर लेते हैं वो जो सीलिया हेयर लाइक सीलिया प्रेजेंट होता है सिलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथीलियम में वो भी ब्रोंकाई में प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में ये डिसअपियर होता जाता है. वहाँ पर जो पार्टिकुलेट मैटर है वो एंटर हो गया अगर तो वो म्यूकस के थ्रू बाहर एक्सपेल हो जाता है या स्वेल हो जाता है या कफ कर देते हैं तो भी म्यूकस के साथ डस्ट जो है बाहर निकल जाती है. सो रिमूवल ऑफ पार्टिकुलेट मैटर. देन है कफ रिफ्लेक्स. जो हमारे ब्रोंकाई हैं या वाइडर एयर पैसेजेस हैं वहाँ पर नर्व एंडिंग्स होती हैं जो कि किसी भी इरिटेंट के लिए बहुत ही सेंसिटिव होती हैं जो कि ब्रेन को सिग्नल देती हैं कि इरिटेंट एंटर हो गया. देन वो कफ रिफ्लेक्स इनिशिएट करते हैं. डीप इंस्पिरेशन के बाद फोर्सफुली एक्सपिरेशन होती है जिसके कारण कफ इंड्यूस होती है. देन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. हमारे जो एल्वियोलाई हैं वो कैपिलरी मेम्ब्रेन के साथ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है.
एल्वोलाई यानी लंग्स और जो कैपिलरीज के बीच में गैस एक्सचेंज है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, अब जो डस्ट पार्टिकल है उनको तो सीलिया या म्यूकस के थ्रू एक्सपेल कर देंगे, लेकिन अगर कोई एंटीजन एंटर हो गया जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई या कुछ भी, वो कैसे एक्सपेल होगा? सो इन सबको एक्सपेल करने के लिए हमारे जो एल्वेलाई है वहाँ पर मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स प्रेजेंट है जो कि इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं. सो वो कोई भी एंटीजन के साथ फाइट करते हैं या फिर उसको किल कर देते हैं या एंगल्फ कर लेते हैं. सो दिस इज अ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन. अगर ये वीडियो आपको समझ आए सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. ऑल्सो डू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.